बिसम राइम इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट वी टॉक्ड अबाउट अ बिट ऑफ शार्प रेशो उसकी हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी हाउ इट ड्राइव आज हम इसकी थोड़ी सी फर्दर डेप्थ में जाएंगे इलस्ट्रेशन को देखेंगे सपोज दैट एसेट हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ फिफ्टीन परसेंट इन एक्सेस ऑफ द रिस्क फ्री रिटर्न क्यों उसका यानी कि जो इंक्रीमेंटल है वो इतना है वी टिपिकली डोंट नो इफ द एसेट विल हैव दिस रिटर्न बट ये है की बात कर रहे हैं suppose we assess that the risk of the asset defined at standard deviation of the excess is 10% percent. Risk free return is constant. तो so, हमने बात कर दी कि हमें एक्सेस रिटर्न उसने दे दिया और हमें स्टैंडर्ड deviation दे दी. Once this part is done, we should easily calculate Sharpe ratio. So Sharpe ratio क्या होगी? आप खुद भी बता सकते हैं. It will be पॉइंट वन फाइव डिवाइड बाई पॉइंट नाइन वन पॉइंट फाइव ये पॉइंट वन फाइव कैसे आ रहा है जो हमने फार्मूला वही पढ़ा हुआ है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आर एफ हमें उसने डेटे में दिया ही आपको रिस्क प्रीमियम दे दिया था कि आर एफ से ऊपर कई दफ़ा आपको डेटे में दोनों चीज़ें भी दे सकता है कि ये आपको फिफ्टीन परसेंट भी दे देता दे साथ आपको रिस्क फ्री रेट दे देता फाइव परसेंट तो अगर आप वो फाइव परसेंट माइनस कर लेते तो आपका आंसर गलत हो जाना था वी हैव टू केयरफुली सी कि क्या पोर्टफोलियो रिटर्न की बात कर रहा है या उसने एक्सेस रिटर्न खुद कैलकुलेट करके दे दिए इस सिचुएशन में उसने खुद ही हमें कैलकुलेट करके बता दिया था कि रिस्क फ्री से ओवर एंड अबव हमने इतना कमाया तो दिस शार्प रेशो इज़ 1.5 यू शुड इजीली कैलकुलेट लेकिन इसमें जो टेक्निकल पॉइंट था रीड द फ्रेज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली वेन यू डूइंग एम अगर आप एक गलत पिक कर लेंगे फॉर एक्जाम्पल रिस्क फ्री रेट मैंशन था फाइव परसेंट आपने वो माइनस कर दिया और आंसर आ गया वन वो वन भी वहाँ पे होगा आप कहेंगे जी मेरा तो आंसर कैलकुलेट भी किया था वहाँ पे था आई हैव डन लेकिन मुझे नंबर क्यों नहीं मिले क्योंकि आपने गलत एजम्पन पिक की सो मेक श्योर केयरफुली टेक द एजम्पन एक फर्दर बात करते हैं कंसिडर टू फंड मैनेजर्स ए एंड बी मैनेजर ए हैज़ अ पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ ट्वेंटी परसेंट वायल बी हैज़ अ रिटर्न ऑफ थर्टी परसेंट तो so अगेन वो जो मेरी पहले एग्जाम्पल दी थी, थी कि थोराटिकल नहीं देखना सिर्फ रिटर्न को नहीं देखना लुक एट द शार्प रेशो देन थिंग्स विल बी बेट एस एंड बी परफॉर्मेंस इज टेन परसेंट ऑल दो इट लुक्स बी परफॉर्म्स बेटर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न वेन वी लुक एट द शॉर्प रेशो इट टर्स आउट दैट ए हैज अ शार्प रेशो ऑफ टू वायल बीज शार्प रेशो इज ओनली पॉइंट फाइव तो ए का वैसे तो रेप्स रिटर्न कम था लेकिन उसकी शार्प रेशो ज़्यादा है इसकी क्या वजह हो सकती है इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो हमारा बी है उसने बहुत ह्यूज लेवल का रिस्क लिया जिसकी वजह से उसका रिटर्न तो बहुत ज़्यादा बेशक आ गया लेकिन ऐट द सेम टाइम द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इज़ फार लेस देन द बी सो द नंबर दिस नंबर मीन द बी इज़ टेकिंग ऑन सब्सटैंशली मोर रिस्क देन ए विच मे एक्सप्लेन हिज हायर रिटर्न उसका रिटर्न तो बढ़ गया है लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा नहीं है एंड इट्स ऑल्सो मीन कि इसके जो फ्यूचर चांसेस हैं हायर चांसेज हैं कि वो सब्सटैंशली लॉस इनकार करके ने कि उसके चांसेज बढ़ गए हैं उसके पोर्टफोलियो के इन द नेक्स्ट पीरियड लॉन्ग रन बिकॉज ये टेकन एब्सोलूटली हाई रिस्क तो वो बात वही बारी लॉजिक की यहाँ पे कन्फर्मेशन हो गई जस्ट एपसोलूट रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है ये उसी की थोड़ी सी फर्दर एक्सटेंशन है ज्योमेट्रिकार्प रेशो इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द कंपाउंडेड एक्सेस रिटर्न डिवाइड बाई स्टैंड ऑफ कंपाउंड रिटर्न यानी कि हम ज्योमेट्रिक मीन वैल्यूज लेंगे और उनको यूटिलाइज करेंगे इन आर कैलकुलेशन ज्योमेट्रिकार्प रेशो इज इक्वल टू आर एक्स जी माइनस आर एफ ओवर स्टैंड एविशन ऑफ जी वेयर आर एक्स जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कंपाउंडेड रिटर्न एंड आर एफ यू नो एंडिये ऑफ द कंपाउंड रिटर्न यानी कि अब हम उनके ज्योमेट्रिक मीन की तरफ जा रहे हैं यानी कि मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट जो कि वन पीरियड टू एन अदर का इम्पैक्ट लेके और उसको हम ले के आ रहे हैं सिंस द शार्प इंडेक्स ऑलरेडी फैक्टर रिस्क इन द डिनिनेटर यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन वो डबल काउंट द रिस्क विथ वॉलिटिलिटी ज्योमेट्रिक मीन विल ऑलवेज बी लोअर देन अर्थमेटिक मीन हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन जब जाएंगे तो अर्थमेट्रिक से कम आएगा क्योंकि उसका कॉरिस्पॉन्डिंग इफेक्ट मल्टीपाइल इफेक्ट जो है वो उसके साथ आ जाता है ऑन टॉप ऑफ दैट ज्योमेट्रिक शार्प रेशियो टेक्स एक्चुअल रिटर्न इन टू काउंट एंड इज मोर कंजरवेटिव रेशियो थोड़ी सी कम आती है लेकिन ये सेफ साइड को ज्यादा कैप्चर करी होती है थोड़ी प्रूडेंट और कंजरवेटिव है

तो आप एक पोर्टफोलियो को ज्योमेट्रिक करें दूसरे को ऑर्थोमेट्रिक करें तो दैट विल नॉट मेक सेंस इफ यू आर कंपेयरिंग बोथ शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग सेम लॉजिक सेम इजम्स फिर वो उसकी कंपेरिटिव बनती है इसको कहते हैं एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन द शॉर्प एंड इन्फॉर्मेशन रेशियो आर सिमिलर इन अ वे ये जो हम इन्फॉर्मेशन रेशियो हमने एक और जगह भी पढ़ी है उसकी भी दोनों का सिमिलैरिटी है बोथ डिटर्मिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मकसद दोनों का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है कि ओवर द रिस्क हम कितना अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं थैंक यू